गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड आज मैं फिर से लव खुशी निलेश के साथ हूँ एंड हम लोग जा रहे हैं पिकनिक। यू नो व्हाट गाइस इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जब से कोई एक्ट्रेस मिलते नहीं है तो वी हैव टू टेल अस गाइस प्लीज डू इट आई विल गिव यू अ फीचरिंग नेम लव एंड खुशी एंड देन वी आर सो ग्रीडी वी एग्री नाउ वी हैव वन मोर कंडीशन दैट ही हैज टू पुट आवर इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ही विल डू इट दैट टू। सो गाइस कन्वर्सेशन रह गई थी अधूरी, हम जा रहे हैं पिकनिक। ये क्या तुझे गाली गाली देती हैं? हाँ, कौन सी गाली देती हैं? मैं नहीं दूंगा चाले, क्योंकि दिल्ली की लड़कियाँ देती है ना, मैं नहीं देता। तो ये तो दिल्ली की लड़की है। ओह, मैं फरीदाबाद का हूँ, ठीक है ना? फरीदाबाद की लड़की है। ओके खुशी, व्हाट अबाउट यू? डू यू अब्यूज? आई एम अमेरिकन गाय। यस कैमरा। आई एम अमेरिकन बिचेस, कैन यू इवन सी द हेयर कलर? वाह, ये अमेरिकन, शी इज एन अमेरिकन बिच और ये बोलती है पाउसेट। जहाँ पे भी ना कोई मूत्रा हो, हकरा हो, लव का ध्यान वहीं जाता है, पता नहीं क्यों जाता है। यार, पानी की कमी की वजह से मुझे इकट्ठा पड़ता है। तो हैं और डोंट इवन से दैट, क्यों सुनते हो तुम लव की? जब तुम्हें पता है वो क्या बोलता है तो मैं तो ऐसे इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए ना, 11-12 साल। I'm like तुमने मेरे व्लॉग में लव को देखा होगा, खुशी को देखा होगा, निलेश को देखा होगा और काफी सारे यूट्यूबर्स, काफी सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन ये बंदा पहली बार मेरे व्लॉग्स में आ रहा है जिसका नाम है रविंदर। और ये है एक आम आदमी जो ना ही यूट्यूबर है ना ही कुछ, बैंड के बीप स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं यही बोलना चाहता हूँ क्रेजियंस को, भाई बंदों ने ना तुम्हारे नाम को पैर पे लिखवाया है, पैर इसके? पैर नहीं पकड़ने फिर? भाई साड़ा कुछ भी करता होगा, हकता होगा, कुछ भी साड़ा ऊपर ही गिर, यार इन्हें ना कुछ भी बोलने दो, ठीक है? रविंदर कुछ भी बोल रहा है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी रीजन बता दिया है कि वो मैंने पैर पे क्यों करवाया है, ठीक है? तो तुम्हें रीजन पता है ऑलरेडी। So, Ravinder, you can shut your mouth. GoPro, stop recording. Nilesh, भाई तू मुझे बता दे, तू गरीब बना है, तू भूतनी बना है? Love, तुझे ये गरीब लग रहा है, भूतनी लग रहा है? What do you think? दादी जी जा रही नहीं तो मैं कुछ उल्टा ही बोल रहा हूँ। Guys, मतलब देख रहे हो प्रोडक्शन वैल्यू, देख रहे हो गरीबियत के नाम पे एक चादर है हमारे पास, वो भी लव रुद्राक्ष की। खुशी के घर पे, खुशी के घर पे। Would you like to play a game? Oh no! I never lose. You know that? Never. इतनी overacting नहीं करनी। Action. Yeah, मैं जीता, तू हारी, आप कैसे? Hey! मैं तो तुझे वैसे। iPhone में बैठे सब कुछ। आपके पास iPhone है क्या? वो आपके जैसा ही कोई आया था, भगवान उसकी तरफ से देखेगा। ओके, सो फ्यू डेज बैक आई गॉट अ टैटू, राइट? और मैंने वो दिखाया भी अपने व्लॉग में भी और मेन चैनल पे भी। सो काफ़ी लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली कि जो मैंने टैटू करवाया दैट इज़ फेक, दैट इज़ नॉट परमानेंट। सो उसमें कितनी सच्चाई है वो आज मैं बताने वाला हूँ। जो भी लोगों ने बोला वो बिल्कुल गलत है, जो मैंने टैटू कराया वो बिल्कुल सच्चा है, इट इज़ रियल एंड इट इज़ परमानेंट। और मैंने ये सिर्फ एक चैलेंज के उससे या ऐसे कुछ नहीं, मैंने, मेरे को एक करवाना था, ठीक है, और इसीलिए मैंने ये टैटू करवाया। वेल, बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स करे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि भाई तूने ये टैटू पैर पे करा लिया, इसका मतलब तू अपने क्रिजीनियंस, अपने सब्सक्राइबर्स को तू अपने पैरों पे रखता है। ये जो जिसका भी थॉट प्रोसेस है, जिन लोगों का ये थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, मेरी सोच लोगों से डिफरेंट है। मैंने ये टैटू पैर पे इसलिए करवाया है क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं लाइफ में जितना भी बड़ा इंसान बन जाऊँ, मैं लाइफ में कितनी भी सक्सेस अचीव कर लूँ या बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लूँ, फिर भी मुझे जो
मेरे पैर है वो जमीन पे रखने हैं, मुझे ग्राउंडेड रहना है, मुझे अपने रूट से कनेक्टेड रहना है, मुझे हवा में नहीं उड़ना है, मुझे चाहिए मेरे पैर जमीन पे रहे लेकिन मेरा सर आसमान पे रहे। तो इस वजह से मैंने पैर में टैटू करवाया ताकि ये जब भी मैं टैटू देखूं मुझे हमेशा ये चीज़ रियलाइज़ हो मैं कहां से आया हूं, मैंने कैसे शुरुआत की थी और मैं कहां पे पहुंचा हूं। तो इसीलिए मैंने क्रिजीनियंस का टैटू पैर पे कराया। और एक और चीज़ यार, मतलब ऐसा क्यों सोचते कि अपने पैर पे बनाया ये गलत है, ये पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यार पैर भी एक बॉडी पार्ट है, राइट? और अगर मैंने उधर करवाया तो मुझे कुछ गलत नहीं लगता, मुझे लगता है मेरे जो रीजंस थे मैंने उसकी वजह से कराया। सो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी हक है मुझे जज करने का ऑन गुड थिंग्स। वेल, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि भाई जब तेरा एक चैनल ऑलरेडी है तो दूसरा चैनल क्यों खोल रहा है? तो इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होंगे मेन चैनल पे तब मैं एक व्लॉगिंग चैनल खोलूंगा। ये फैसला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जो कंटेंट मैं व्लॉगिंग में करना चाहता हूँ वो मैं मेन चैनल पे नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट मोर एंड मोर कंटेंट ऑन बोथ दी चैनल्स। जो मेन चैनल में है उसका कंटेंट बहुत क्रेजी, एपिक और डिफरेंट है, इसका बहुत सटल और काफ़ी अच्छा होगा, फनी होगा मतलब। तो इसीलिए मैंने फैसला लिया था कि दो चैनल्स, दो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, दो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के लिए। क्रेजी दक्ष और दक्ष वर्मन बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। हूँ मैं एक ही बंदा लेकिन पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट है और कंटेंट भी बहुत डिफरेंट होगा, इसीलिए ब्लॉगिंग चैनल।